रामदेव साहब, ये बताइएगा कि अदालतों में अक्सर गवाहान जब पेश होते हैं तो दोनों तरफ से गवाहान दोनों पार्टीज के ओथ लेते हैं और कसम खाते हैं या हलफ लेते हैं। उसमें जो अल्फाज भी होते हैं वो बड़े सख्त किस्म के होते हैं, और इसके बावजूद दोनों में से एक शख्स मुकदमा हार जाता है। क्या जो शख्स मुकदमा हार गया उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए कि उसने झूठ बोला, गलत शहादत दी उस बुनियाद पे? इसके लिए कानून बनाने चाहिए। हमारे यहाँ इस कानून के ना होने की वजह से मुकदमों की भरमार होती है, मुकदमे कई कई बरस तक मौखर होते रहते हैं। जरूर इसका एहतमाम करना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने झूठ बोला है, किसी को तंग किया है झूठ बोलकर, तो ये उस शख्स के खिलाफ एक जुल्म का इर्तिकाब है। इसके लिए आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कवानीन बनाए जाए। ऐसे वकला के खिलाफ भी जिन्होंने झूठी शहादतें भुगताई, ऐसे मौकिलों के खिलाफ भी जो झूठे मुकदमे लेके आए, इसका तो जरूर इजाला करना चाहिए। जी साहब, एक सवाल और बहुत अहम है कि अगर दौराने मुकदमा मुझे जिस बात का एहसास हो जाता है कि मेरे मौकिल ने मुझसे झूठ बोला था, जाहिर है कि मैं उसने मुझे उसके लिए फीस की अदायगी की है, अब ऐसे मौके पे क्या मुझे उसके मुकदमे की पैरवी से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए या मुझे उसके मुकदमे की पैरवी जारी रखनी चाहिए? और दूसरी सूरत में अगर मुझे मुकदमे की पैरवी जारी नहीं रखनी चाहिए तो आया वो फीस मेरे लिए जायज होगी? आला अखलाकी उसूल तो यही तकाजा करते हैं कि आप उस मौके के ऊपर अपने आप को अलग कर लें, और जो कुछ भी फीस के मामले में तय हुआ है उसको किसी कायदे के मुताबिक फैसल भी कर लें। आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि तुमने झूठ बोला है तो इस वजह से मैं फीस भी वापस नहीं करूंगा, लेकिन बदतर बात यही होगी कि उसकी फीस उसको वापस करके आप ये कह दें कि मैं ये मुकदमा जारी नहीं।